वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंड दान का कुतप समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी लौटे नहीं थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर सीता माता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है, पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि वहां उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात पूछी तब फाल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो केवल नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को भी संतुष्ट ना होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती, और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। अतः कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है। जहां इन पांचों को श्राप मिला वही सच बोलने पर माता सीता ने वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पवित्र स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।